हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई लोग लाखों रुपए लगा लेते हैं लेकिन इनके बाद भी उनके समस्या ज्यों कहते हैं बने रहते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, एक रिसर्च में ये भी पाया गया है जो ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं, लौकी, इसके द्वारा दोस्तों कैंसर की बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों जो मेडिसिन दवा रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, वो भी दोस्तों इसके जूस पीने के लिए कैंसर वाले रोगी को बोलते हैं, क्योंकि यह कैंसर की बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। और मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ, जो आप कुछ ऐसे परेशानियां हो जाती हैं, लाखों रुपए लगा चुके होते हैं, पैसे से कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती, बल्कि ये फ्री की आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो जाती हैं। तो अक्सर लोग इसके सब्जी बना करके खाते हैं। इसके दो प्रजातियां होती हैं, एक मीठी होती है लौकी और एक होती है कड़वी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कड़वी लौकी की सबसे ज्यादा फायदा बताने जा रहा हूँ। 5 मिनट के वीडियो बनने वाले हैं, अगर आज की यह वीडियो मिस कर दिए तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि कड़वी लौकी से इतना ज्यादा बेहतरीन कि आप घरेलू उपचार कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जी हाँ, ये दोस्तों बहुत सारे बीमारी को जड़ से समाप्त कर देते हैं स्वतः ही, बिल्कुल ही। इसके बीजों का सेवन करने से स्वतः ही बहुत सारी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कौन सा बीमारी में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, या मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं, जो मेरे वीडियो को देख रहे मेरे दर्शक नहीं बल्कि मेरे परिवार के सभी सदस्य हैं। आप मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे दर्शक नहीं। और हर इंसान चाहते हैं उनके परिवार में रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आप सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो। तो चले जानते हैं कौन से बीमारी में किस प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सिर के दर्द में जो कड़वी लौकी के बीज का तेल होता है, मस्तक पर लगाने से तुरंत 2 सेकंड के भीतर में सिर के दर्द दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग गंजापन दूर करने के लिए, जो कड़वी लौकी के साथ में सरसों का तेल में मिला करके अगर इसके बीज से पकाए तेल को गंजे सर पर लगाया जाए तो गंजे सर पर बाल आ जाते हैं। वीडियो को कभी भी आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आधा कुचरा आधा ज्ञान खतरनाक साबित ही होता है। हो सकता है इस जानकारी को आप दूसरों को बता दें, या कुछ इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे दवा सिखा दूं जो कि आप लोगों को खुद की जरूरत पड़ जाए, या भविष्य में आपको कुछ भी समस्या होती है तो उसका आप जो उपचार स्वयं के आप कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। तो रतौंधी के इलाज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, कड़वी जो लौकी होता है, इसके फल के भस्म में शहद मिलाकर के अंजन करने से रतौंधी रोग ठीक हो जाते हैं। दांत का कीड़ा है तो कड़वी लौकी के जड़ के चूर्ण का मंजन करने से दांत के कीड़े नष्ट हो जाते हैं, या इसके पुष्प को दांतों पर रगड़ने से, कड़वी होना चाहिए ना, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है, कड़वी होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, तो इसके फूल को पीस करके दांतों पर रगड़ने से दांतों के दर्द ठीक हो जाते हैं। या कड़वी तुम्बी के रस में सरसों का तेल सिद्ध करके 1 से 2 बूंद नाक में देने से जो घेंघा के रोग रहते हैं ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हाथी पांव को भी ठीक करने का काम करते हैं। 1 से 2 ग्राम कड़वी तुम्बी के बीजों को पीस करके बकरी के दूध के साथ में पिला देने से वमन या उल्टी या हाथी पांव जो है ना, ये कुष्ठ रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। इसके बाद आजकल के प्रदूषित खान या पैकेज फूड बोल सकते हैं, कुछ ऐसे आहार युक्त चीज़ों को हम खा लेते हैं जिसके चलते दोस्तों पथरी की समस्या आ जाती है। तो पथरी को ठीक करने के लिए ये जानकारी आप दूसरे को बता देना, क्योंकि बहुत से लोग इस बीमारी से परेशान रहते हैं, कई लोग तो ऑपरेशन भी करा लेते हैं, लेकिन एक बार आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करना चाहिए, जब फायदे नहीं मिलते तो ऑपरेशन कराएं। तो कड़वा जो ये होंगे लौकी, इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बीज की चूर्ण 1 से 2 ग्राम कड़वा होना चाहिए, तो 1 से 2 ग्राम इसके बीज का चूर्ण बकरी के दूध के साथ में पीने से 7 दिनों तक बिल्कुल ही पथरी जो होते हैं टूट करके निकल जाते हैं, लेकिन कड़वा होना चाहिए इसके बीज। इसके बाद दोस्तों ये भी बताया जाता है, कड़वी लौकी के रस में अगर 1 चम्मच आंवला का रस मिला करके प्रतिदिन कुछ महीने तक सेवन करा दिया जाए तो ये शुगर की बीमारी को भी ठीक कराने का काम करते हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे फायदे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारियां शेयर की। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधों में जड़ी बूटियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।